अंबिकापुर में मैनपाट के ग्राम पंचायत परपटिया हर्रा ठोड़ी निवासी 3 वर्षीय एक बालक का ठोड़ी टिकरा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में टीकाकरण किया गया था। परिजन का कहना था कि रात में उसे बुखार आया और उसकी मौत हो गई। इस मामले में प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक दुर्भाग्यपूर्ण जानकारी सामने आई है कि मैनपाट के ग्राम परपटिया के एक आंगनबाड़ी केंद्र में टीकाकरण के बाद बच्चे को बुखार आया और उसकी मौत हो गई। जब टीका खरीदा गया था तो उस समय उसकी क्वालिटी कंट्रोल हो गई थी या नहीं, इस बात का भी ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी टीका पहले लैब में भेजा जाता है, सैंपल 2-3 लेबोरेटरी से क्लियर होने के बाद ही इसे उपयोग में लाया जाता है। इन बातों को ध्यान में लेकर ही टीकाकरण को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिलासपुर के बाद दोबारा ये बात सामने आ रही है, इसे गंभीरता से लेते हुए इसकी गहराई से जांच करानी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण जानकारी आई है कि मैनपाट में ग्राम परपटिया के एक आंगनबाड़ी केंद्र में जहां नियमित टीकाकरण हुआ, वहां माता पिता ने बताया कि टीका लगने के बाद में बच्चे को बुखार आया और उसके बाद बच्चे की मृत्यु हो गई। मीडिया में जो बात आई है वो डॉक्टर का ये कहना है, डॉक्टर्स का यह कहना है या CMHO का ये कहना है कि दूध सांस की नाली में अटक जाने से दूध पी रहा होगा बच्चा, उस कारण से मृत्यु हुई है। तो ये मेरे लिए कहना कठिन है बिना पूरे तथ्य के, लेकिन अगर बुखार आया तो ये अपने आप में ये बात बता दर्शाता है कि टीका के बाद कोई ना कोई रिएक्शन हुआ और टीका लगने के बाद ही बच्चे की मृत्यु हुई। इसमें जो भी दवाई का इस्तेमाल किया गया है टीकाकरण में, उन बैच की सारी दवाइयों को फिलहाल रोक लेना चाहिए। जहाँ जहाँ भेजा गया है लगाने के लिए टीका, उसको अलग कर देना चाहिए, स्टोर में रख लेना चाहिए और उसकी जांच करा के अगर वो सैंपल फिर सही पाया जाता है तब फिर उसका उपयोग करें। ये भी जानकारी ले लेनी चाहिए कि जब खरीदा गया था ये टीका तो उस समय इसका क्वालिटी कंट्रोल हो गया था कि नहीं। ये लैब में भेजा जाता है, सारी दवाइयाँ भेजी जाती हैं और सैंपल जब क्लियर होके आता है 2-3 लेबोरेटरीज में भेजा जाता है तब फिर उसको उपयोग में लाया जाता है। तो इन बातों को ध्यान में देकर ही टीकाकरण आगे बढ़ाना चाहिए। बिलासपुर के बाद दोबारा आंगनबाड़ी में ये बात आ रही है तो गंभीरता से लेते हुए इसकी गहराई से जाँच करनी चाहिए कि आखिर कारण क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है।